नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। सुपर पावर रूस ने दुनिया भर में जंग जीतने के लिए बेजोड़ हथियार निकाला। अपने परमाणु हथियारों से पूरी पृथ्वी को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाला रूस अब दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछलियों में शुमार डॉल्फिन के सहारे युद्ध जीतने में लग गया। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। रूस ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों को भी तैनात किया। रूस की नौसेना ने अमेरिका के जवाब में 1990 के दशक में मरीन मैमल प्रोजेक्ट शुरू किया था। रूस के इस प्रोजेक्ट ने उस समय दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जब बेलुगा नाम की एक वेल मछली अप्रैल 2019 में नॉर्वे पहुंची। इस वेल मछली को वल्दीमीर नाम दिया गया था। ये वेल मछली रूस की नौसेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम से बचकर निकली थी। अब रूस ने युद्धग्रस्त सीरिया के पास अपनी डॉल्फिन सेना को तैनात किया। रूस को डर सता रहा है कि दुश्मन समुद्र के रास्ते पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चला कि रूसी नौसेना ने प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों की सेना को साल 2018 के अंत में अपने टार्ट्स नेवल बेस पर तैनात किया था। इस नेवल बेस पर सीरिया में युद्ध के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बियों को तैनात कर रखा। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक डॉल्फिन का इस्तेमाल दुश्मनों के गोताखोरों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जो युद्धपोत को बंदरगाह के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस अपनी पनडुब्बियों की मदद से सीरिया पर मिसाइल हमले कर रहा है। जानकारों के मुताबिक डॉल्फिन को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वे समुद्र की सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकाल लाती, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती। सीरिया में तैनात डॉल्फिन को क्रीमिया के पास काला सागर में स्थित सेवास्तोपोल अड्डे से भेजा गया है। यह भी संभावना है कि ये सील भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना डॉल्फिन की। रूस ने इन किलर डॉल्फिन मछलियों को सीरिया में क्यों तैनात किया, इसका भी पता नहीं चल पाया। सीरिया में तैनाती के बाद रूस बहुत तेजी से अपने मरीन मैमल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा। बता दें कि रूस के अलावा अमेरिका और ईरान भी बहुत तेजी से मरीन मैमल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे। अमेरिकी नौसेना का मरीन मैमल प्रोग्राम साल 1959 में ही शुरू हो गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के पॉइंट लोमा इलाके में। यहाँ पर डॉल्फिन और सी लायन को ट्रेनिंग दी जाती। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अपनी ताकत को कबूल कराने के लिए और युद्ध जीतने के लिए लोग क्या कर रहे हैं और देश कैसे सोच रहे हैं।